सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ कोट पराध हमारी खंडो अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरत रखाओ हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरत रखाओ। धन वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों सुपना अर भेखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। ज्यों सुपना अर भेखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आम करके हर एक चीज के दो पासे होते हैं, एक बाहरला रूप होता है, एक अंदरूनी असलियत होती है। बहुत बारी मनुख बाहरों देख के ते अपनी सोच मुताबक उसके अंदाजे ला लेता है, पर किसी सियाने को बैठिया उन्हों असलियत का पता लगता है भी असल बाहरी तौर पर बहुत बारी असलियत जड़ी है वो छुप जाती है, नहीं पता लगता, नहीं एहसास होता। सच करके जानियो गुरुदेव आखते ने कहते भलिया जे तो तू भी गुरु नाल जुड़ के जगत की असलियत नूं वेखे तैनू पता लग जाए, पर तू अपनी सोच नाल दुनिया नूं वेखना है। इसलिए बहुत बारी ऐसा कारण बन जाता है तू सच समझ नहीं पाता। तो गुरु का एक कम है भी असलियत दे नेड़े लाउणा। गुरु तो हमेशा ही तत् की गल साडी झोली पाउंदे ने, असलियत हकीकत जो सच विच है वह साडी झोली पाउंदे। तो अज सच्चे पातशाह ने जगत की तस्वीर साढ़े सामने रखी भी जगत असल में है कि हो गया। जिस दुनिया असी जुड़े बैठे हैं वो असल में दुनिया है की चीज़, संसार की है। साहब ने दो उदाहरण दित्तियां ने। नंबर एक उदाहरण दित्ती भी जिवें मनुख सुपना देखता है, दूजी उदाहरण दित्ती जिवें मनुख तमाशा देखता है। फर्क सिर्फ इन्ना, तमाशा खुली अख का सुपना होता है या तमाशा ही होता है। दूजे शब्दों में कह दिए जो सुपना वो बंद अख का तमाशा है, दोवें तमाशे है, दोवें तमाशे ने, एक बंद अख का एक खुली अख का। सतगुरु सानू दोनों की असलियत समझाते हैं, हकीकत समझाते हैं। हुण जो सुपना आवे तो गल चेते रखियो, जे सुपने च ये पता लग जाए कि यह झूठा है तो फिर वह सुपना नहीं होता, फिर तो सच पता लग गया। सुपने में सानू पता नहीं लगता जो कुछ दिसदा है, असी उन्हें बकायदा मान रहे होंगे। सुपना दुखदाई हो असी दुखी होए हों, सुपना सुखदाई हो
तो सानू वो सुख मिलता है सुपने विच हालांकि पए बिस्तर ते पए बिस्तर ते ही है पर सुपना आया सुपने के दुख ने सानू दुखी भी किया सुपने के सुख ने सानू सुखी भी किया सतने हजूर सच्चे पातशाह कृपा करते ने कह लगे भलिया तो सुपने नाल चित लाई बैठे इस दुनिया विचों सच समझ नहीं पाया गुरबाणी विच कुछ बचन आपां विचारन की कोशिश करें पापा भरम मिटावो अपना या संसार सगल है सुपना कहते अपना भरम मिटा दे यह सुपना है जिन्ना चर देखता है उन्ना चर सारिया चीज़ा चंगिया लगदिया ने सच लगदिया ने पर जदों जाग पैना है सुपने की एक भी चीज़ असी अपनी जिंदगी च नहीं वरती होई कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं हो सकता जिहड़ा सुपने में प्राप्त हुई चीज़ नूं हकीकत में वरतदा हो सच में वरतदा हो सब कहने जितना भी जगत है ये तू जो कुछ भी बनाई बैठा ना इन्हें तेरी असल जिंदगी कम नहीं होना हाँ सुपना वेखण लई बड़ा वधिया है बहुत वधिया पर जिवें सुपने की कोई वस्तु साडे कम नहीं आउंदी इस तरह याद रखियो संसार की किसी भी चीज़ ने सानू चंगे इंसान बनने विच मदद नहीं करनी वह केवल गुरु नहीं करनी वह केवल मालिक नहीं करनी वह केवल असलियत नहीं करनी सतगुरु दे एक बचन हुण ध्यान विच रखियो जग सुपना बाजी बनी खिल में खेल खिलाए संजोगी मेरे एक सह भेजोगी उठ जाए क्योंकि सुपना की है सुपना बस इन्नी कहानी है जिन्ना चेर तेरे को रब की सत्य है रब की ताकत है उन्ना चेर तू सुपना वेखना है जदों लै जाता है संयोग ते वियोग की कहानी है बस सुपना बनता है सुपना टुटता है गल तो इन्नी हुई है जग सुपना बाजी बनी ये तो जग सुपने की तरह है जग सुपने जैसा यह संसार सुपने पत्तर है इस घर में भुल ना जाए कदें असलीयत में तेरे किसी काम नहीं आना असलीयत में जाके भी कुछ करने की कोशिश कर सच में भी कुछ करने की कोशिश कर सुपने जो धन पछाण काहे प्रकट मान बारू की भीत जैसे बस का को राज है कहिंदे तां रेत की कंध वांग सजना सुपना है सुपना टुट गया तेरे बंदे कख नहीं रहना सुपने सेती चित मूर्ख लाया कहते सुपने का चित लाने वाला कोई सियाना दाना बंदा नहीं होता उन्होंने मूर्ख ही कहेंगे सी तो बहुत वधिया सुपने जाके भुल गया एक शब्द होर बड़े ध्यान में सुनो हजूर आखते ने कहते वेख तेरिया अखां के सामने हकीकत रोज वरतदी है नरपत एक सिंघासन सोया बिस्तरे ते भी नहीं सुता सिंघासन ते नरपत एक सिंघासन सोया सुपने भया भिखारी कहिंदे अचानक गंभीर फैसले करदा करदा ते ओह किते सोच विच सुस्ती पै गई सौं गया घड़ी पल चपकी लगी नरपत नरपत कहिंदे ने राजी नरपत एक सिंघासन सोया सुपने भया भिखारी अशत राज बिछड़त दुख पाया शोभत पई हमारी अशत दा अर्थ हुंदा हुंदिया सुनदिया राज दे हुंदिया सुनदिया ओ दुखी हो रिहा मैं भिखारी हो गया सीता इह भी रब दा पुत्त पर सुपने नाल जुड़ गया असलीयत तो टुट गया जे किते असलीयत नूं समझ लवे सच करके जाने हो इहदी जिंदगी तब्दील हो जाएगी बड़ी तवज्जो देखी गल सुन राजे दे महलां विचों इक चीक आई बड़ी दर्द भरी ते राजा अपने दरबार विच बैठा हैरान होया भी चीक राणी की है ते बड़ी दर्द भरी है छड के भज के चला के जाके पता करन की गल हुई राणी कहन लगी अपना बेटा
बेहोश होकर डिग पिया, पता नहीं की कारण बनिया। वैद हकीम इकट्ठे होए, राजा अपने पुत्त नूं गोद विच लेके बैठा। दिन लंघ गया, रात लंघ गई, दूजा दिन लंघ गया, पासे भी नहीं होंदे। ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਝਪਕੀ ਲੱਗੀ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਿਆ ਪੁੱਤ ਝਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। राजा खड़खड़ा के हसया, सारिया ने यूं लग्या भी शायद ये सदमा नहीं सहार सकिया। जे हालातों के मुताबिक मनुख हरकत ना करे असीं उहनूं बाबरा कहने। हालात कुछ होर होण ते करे कुछ होर, माहौल हासे का होवे उह रोवे ते माहौल रोण का होवे उह हसे। तैनूं पुछिया भी राजन होश कर, तेरी गोद विच पिया पुत चढ़ाई कर गया। कहिंदा ताई ते हस ते होश ही होना ही। कहिण लगे किधर दी गल होई, कहिण लगे सच करके जाने हो, मैनू सुपना आया, मैनू अचानक बैठे ये अख लगी माड़ी जी, सुपना आया, मेरा परिवार है, घरवाली है, मेरे चार बच्चे ने, माता पिता सके संबंधी सारा असं बड़े हस खेड रहे, तुसी चीक मारी कि सपना टुट गया। हुण मैनूं समझ नहीं लगदी भई मैं इक नूं रोवां कि उन्हां दसां नूं रोवां। ये खुली अख दा सुपना, बंद अख दा सुपना सी। मैं बेनती करां प्यार वालिओ, गल कल्ली सुपने की नहीं है, गल असलियत नूं समझण दी। अपने अपने अंदर जाके, अपने अपने अंदर जाके जिस तक भी तुसी गुरबाणी के एक शब्द नूं भी समझ लिया ना, जीवन तब्दील हो जाना। अंदर जाके अपने आप नूं पुछ मना किन्ने बेईमाने करना है, किन्नियां दा हक खोना है, किन्नियां दे अथरू लियाना है अखां विच, कादे लई। जब सवेर होनी है जिंदगी की, रात मुकनी है, सुपना टुट जाना, एक भी चीज दस जिहड़ी तेरे नाल जाए। हजूर दा एक बचन है बड़ा प्यारा, किछ खाजै किछ तर जाइए, जे बहुत दुनिया आई है कहते कुछ खा ले कमा ले, कुछ तर के चला जा, रख के सांभ के चला जा, जे मुड़के तू दुनिया चाहना हो। मसला जिहड़ा ना, जिन्ना भी आप धर्म की रोज विचार करने हैं, यदा मसला सिर्फ इन्ना भी बुरियाइया छड़ दे चंगा इंसान बन जा, बस तत्भाव इन्ना ही होंगे। समझ लवे मनुख जदों सुपने ने टुट जाना। देखो सुपने भी जिन्हों ने लाहा लेना वह सुपने चो भी ले लेंगे, जगत है जगत में सुपने च भी बहुत कुछ मिल सकता है। हजूर की बाणी का एक बचन है बड़ा प्यारा, सुपने उबी पही, कहिंदे सुपने विच मैं बड़ी उच्ची रब दे घर पहुँच गई। फिर दूजी सहेली पुछदी है, गयो की ना अंचला, कहिंदी तू रब का पल्ला क्यों नहीं पकड़ लिया, जब तैनूं पता सी भी मैं सुपने च मालिक नूं मिल गई है, तो मिली हुई हो उच्च, फिर हाथ छड़ क्यों दिता। कहिंदी मुश्किल तो यह हुई है ना, सुंदर पुरख विराज पे एक मन बन चला, उसकी सुंदरता इन्नी सोहनी सी, जब मैं देखी नजर भर के मेरी जाप खुली, तो उत्थे पले कुछ भी ना हथ आया। सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए, आए ना सका तुझ कर प्यारे भेज ना सका कोए, सुपने में आ गया तड़फा के चला चलिया। मैं पूछती हूं साइया, आई ना सका तुझ कर प्यारे, सुपने विच मिले हो मैं कितने लगा होना,
भेज ना सकता कोई ना कोई चिट्ठी ना कोई सुनेहा कुछ भी नहीं कर सकती की करा तनखा के तुर गए कृपा कर समझा मैनू हजूर आखते ने कहते सजना जे तू सुपना भी समझ लवे दुनिया ने सुपनिया चो भी लहा ले लिया कबीर सुपने हूं बरनायक है जय मुख निकसै राम ताके पग की पन ही मेरे तन को जाम तू सारी जिंदगी हाय हाय कर दे तेरे सुपने भी हाय हाय वाले ने और तेरी जुबानो वाहगुरु निकल जाए कि सुपने च भी तू वाहगुरु कह दे कबीर साहब कहने वे पैरों का जोड़ा बनाना हो ते किसे दे करना जायो मेरे घर आ जायो कबीर साहब तुसी ते कपड़ा बुनदे हो कहिंदे नहीं मैं कम नहीं पावे जुटियां दा करदा जोड़ियां दा कम मैं नहीं करदा ते लोकां दे पैर ढकण दा कम मैं नहीं करदा पर मैं एक गल करना है भी जे ओहदे पैरां च जोड़ा पाउणा होया ना तां मेरी खल दा बना के पायो जिहड़ा सुपने च वी वाहिगुरु कह दे सतगुरु ने अज बड़ा प्यारा वचन आख्या ये इको ही मिसाल आपां विचारी है इहदा दूजा पक्ष है पेखना पेखना का अर्थ हुंदा है तमाशा तमाशा भी असीं नित दिहाड़े तमाशे का बदले हुए नाच पिक्चर कह लो फिल्म कह लो कोई शब्द ला लो तमाशा ही है एक बेनती मैं कर लगा है कि तुम उन्होंने तवज्जो दे के सरवण करना मेरी हाथ जोड़ के बेनती है फिर आप अगे तुरते भी देखा होगा मैं भी देखे आप सारी गृहस्थी अपने घर जाम होंगे टीवी पर लग्या हो कोई मान लो किसी ने एक गीत गाए उन्हें भैन के रिश्ते का भरा के रिश्ते का माँ बाप के रिश्ते का माँ के रिश्ते का कोई शब्द ना हमें देखो आम जे मनुख जो लिखी हुई गीत होगा आखिर रब तो है नहीं एक मनुख का लिखा हुआ गीत एक गीतकार का लिखा हुआ गीत एक गायक ने गा दिता पर गाया इस ढंग नाल है उत्थे जिन्ने लोग बैठे सन सारिया भी अखर च पानी है कला एक गीत है एक घर चाम देख के नाटक चलते ने कोई चढ़ाई कर गया हालांकि वह नाटक है पता है सच पता है कि इस बंदे ने कई फिल्मा बनाईया ने मर जाए हकीकत में अगली फिल्म च किवें आ ये सारा ड्रामा है पता है सबू हकीकत में पता है पर जब वो मरद सच करके जाने सारी अखर च पानी होता है मैं सिर्फ इतनी गल पुछनी चाहना भलिया दुनिया को देख के जद के पता है भी झूठा है जलो फिल्म ने खत्म होना है उसकी स्क्रीन पर कुछ नहीं होना ओनू देख के तू रो भी पैना हस भी पैना इन्ना तेरे से प्रभाव पैदा है किसी का एक गाया गीत तेरे से ऐसा असर करता है तेरिया अखा चो पानी कढ़वा देता है वह जड़िया रब की लिखी हुई बाणी है इनू कदे इन्ने ध्यान क्यों नहीं पढ़िया एक शब्द पढ़े तेरा किरदा टुंबिया जाए इवें सुनया होगा उस सज्जन ने जड़ा एक शब्द सुन के सारा कुछ छड गया कह लग्या नहीं अज तो बाद बहुत बारी बेनती करने हरेक गुरुद्वारे च प्रचारक भी सहमे हुए हैं ते ग्रंथी सिंह भी सहमे होते करते की कहेंगे क्योंकि कोई कोई मर्यादा की गल करता कोई कोई मर्यादा की गल करता जे हकीकत की गल करिए कहेंगे नहीं मनन तैयार नहीं झगड़ा खड़ा होता है मैं बेनती करा जिस दिन बाबे लेड़े ने मत्था टेकिया होगा ना उस दिन मुकम्मल मत्था टेक दिता मुकम्मल उन्हें मुड़ के ही किया भी साढ़े परिवार जिमें होंगी असी देविया दे जाने असी जगराते करने हैं तो एक बार क्या जाए वो की फर्क पैदा नहीं वो मुकम्मल बदल गया ताइयो गुरु नानक बनया जे सिखा तो गुरु नानक बनना है ना खालसा मेरो रूप है खास असी बाहरले स्वरूप से बहुता जोर दे दिता मुबारक बड़ा वधिया
और जे तू गुरु गोबिंद सिंह दे रहण दा टिकाणा बनना है ना, चंगा इंसान बनना है ना, तो सच करके जाने शब्द ते भावें कोई सुन लै, सुन इवें जिवें तेरे ते दुख सुख का असर होवे। गुरु शब्द विच की कहे, अज सच्चे पातशाह ने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दुनिया की असलीयत सानू दिखाई है, दुनिया की असलीयत सानू दिखाई है। जो सुपना अर पेखना, ज्यों का मतलब है जिवें, सुपना वो अर्थ तुसीं समझदे हो नींद विच आए हुए कुछ वो पल जिहड़े एक हकीकत वांगू वरते। वैसे विद्वानां दी राय है सुपना बहुता लमेरा नहीं होंदा, कुछ सैकंड का होंदा। ते विद्वानां दी इह वी राय है भी सुपना आउंदा क्यों है, जदों असल विच असीं सौ जाने हैं दिमाग नहीं चलता इदों अगे, तो वो जब सौ जाने हैं तो उदों दिमाग जिहड़ा वो फालतू चीज़ां डिलीट करदा है, वो पहले खोल खोल के देखता है, जदों खोल खोल के देखता उ सुपना बन के आ जाता है, साडे ख्यालात ही सुपना बन गए। सतगुरु आखते ने जो सुपना अर वेखना, जिमें तू सुपना वेखना है, जिमें तू तमाशा वेखना है, ऐसे जग को जान, इवें दुनिया को समझ। थोड़ा जा मैं होर गल कहनी चाहना है, माफी भी मंगना नाल। सुपने विच कोई राजा बन जाए तो सवेरे उठ के घरदिआं नूं कहे भी मैं हुण राजा बन गया, वो कहणगे किवें, रात तां इत्थे सुत्ता सी, रातों रात राजा सुत्ते पै के फिर बन गया। वो कहिंदे मैनूं सुपना आया, मैं सुपने च राजा बन गया। तुसी दसो घर दे भी नहीं मनणगे भी राजा बन गया होए, दुनिया ने की मनना, घर दे भी नहीं मनणगे भी राजा बन गया। हुण सच्चो सोचो असलीयत विच, आ जिहड़ा जगत है जे सुपने वर्गा है तो हुण आपां इच्चे किड्डे किड्डे राजे बनी बैठे। जे किसी के घर जाइए तो घर ना ना वेखीए, तो वो घर वाला नाराज हो जाता है भाई भाई साहब तुसी आए थे घर बिना वेखिया, वेखना की होंगे, ओहे जी बैडरूम ने, ओहे जी सारियां दे बैड लगे होंगे, फर्क सिर्फ इन्ना भी क्या आप देख दे भाई वाह आ कमाल किए हो जाने किसी का। यह शब्दों की असल च भुख होंगी, हकीकत की है, सच की है, बहुत कुछ संभाल के तुरना चाहिए। साहब कहने भी जे तू इत्थे राजा बनी बैठा है सज्जना तो सुपने का राजा है, बिरख है गेट सब जलते कट्ठे, एक टट्टे एक बोलन मिठे, अस्त अदोत भया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया, उठे कोई किसी नहीं जानता कितों आए कितने चले। सत की है, सच को समझिए, ऐसे दुनिया की नज़रों च ना जीजिए, अपन नज़रों च जीजिए, अपने आप को वेखिए मैं की है। जिस बंदे ने अपने आप को वेख लिया वो कुरला उठेगा, हों पराधी गुनहगार हों बेमुख बंदा, चोर जार जुआर हों पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देष्ट गंदा, विश्वास घाती विश्वास घाती अकृत कर्म है को न रखंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास घाती अकृत कर्म है को न रखंदा, सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बख्शंदा। जिहदे औगण आउणगे ते बेनतियां करेगा सतगुरु कृपा कर मेरा पर्दा कट लै। जिस दिन जगत नूं सुपना समझ लिया ना, इस सुपने विच मिले हुए सज्जन मित्र ने सखे संबंधी, सुपने का मिलया हुआ घर है, सुपना है, हकीकत की है, वो गुरु नूं पुछ के देख फिर तेनूं पता लगेगा मना हकीकत। क्यों किसी नाल वैर विरोध कर रहे हैं? जो सुपना अर वेखना, कनौज इंडिया दे विच एक होजी थां है, वैसे इत्थे शेरशाह सूरी का जंग होया सी जिथों हुमायूं भज्जिया सी,
कलौज दे विच इक थां बनी हुई है जिहड़े लोग तमाशा करदे ने ना ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦਾ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਆਉਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਹੂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਮਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਲਾਲੇ ਹੂ, ਖਾਲੀ ਦਸਤੇ ਰੁਸਵਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਹੂ, ਖਾਲੀ ਦਿਲੇ ਰੁਸਵਾ, ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰੁਸਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ, ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੜਫਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੜਫਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ। ਜਗਤ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਵਜਾਈ, ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਰਮ ਸਕੇਲਾ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੇ ਅਕੇਲਾ, ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਦਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਜੀਗਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਨਮੇ ਕੁਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੜ ਪਕੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਜਾਣ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੜ ਪਕੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨਮੈਂ ਕੁਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਹਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ, ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।